आप लोगों के लिए स्पेशल कोलैब विद डीएमटी फरीहा। मैं एक एंजल हूँ और मैं आसमान से आई हूँ। रीजन पर हमेशा हवा में रहने वाली फरीहा बेबी बाजी, जिसको मैं अपनी बहन मानता था, है हूँ हूँ क्या था थी है तो इसको आज खट्टे मीठे माइनस लगवाने के लिए टकला इसकी ग्रुप में खड़ा है। आप लोग सोच रहे होंगे टकले को सीजन 2 मिल गया तो अब लड़कियां इसके पीछे पड़ गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में कमाल इस रुमाल का है, इसने मेरे टूटे हुए खराब नजर माते दांत छुपा लिए हैं। एक और बड़ा सरप्राइज कि जब मैं इसके साथ कोलैब कर रहा था तो उस टाइम मिस्टर कद्दू भी लाइव था, और जब हमारा गेम स्टार्ट हुआ और हमने बोर्ड की तरफ देखा तो मिस्टर कद्दू भी हमारी गेम में आया हुआ था। अरे डीएमटी फरीहा मेरी गेम में, एजेएफएफ भी गेम में, अरे नहीं, अरे सांस अटक गया, यो हिला डाला ना। अरे नहीं भाई, मैंने डायरेक्ट उसे कॉल किया कि यार भाई इधर आओ, टीम अप करते हैं। तो आगे फिर क्या हुआ, उसके लाइफ के रिएक्शंस भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगा और साथ ही साथ इस गेम प्ले को भी कंटिन्यू करेंगे। तो हो जाए मुकाबला। तो मैंने उसे कॉल किया कि हबीबी कम टू बीमा साक्ती और वहां मैं तुमसे मिलती, लेकिन तुम लोग जो फ्री में वीडियो एंजॉय करती ऐसा तो नहीं करती भाई, सब्सक्राइब और लाइक भी करती। नहीं मैं तो तुझे मारूंगा भाई, टीम अप नहीं करूंगा। अच्छा आ रहा हूँ आ रहा हूँ ब्रोकन में मैं आ रहा हूँ, सही है टीम अप करते हैं। डर गई। मैं भी मसाकती पे तो हूँ, तुम लोगों के साथ स्क्वाड में कौन कौन है? स्क्वाड में है फरीहा और साथ में माही। अच्छा डीएमटी फरीहा तुम्हारे साथ है? लंगूर के मुंह में अंगूर। अच्छा मुझे नहीं पता था, तुम लोगों की खैर नहीं है भाई। नहीं मैं टीम अप करूंगा, सही है, ना मारो, मैं आ गया। अच्छा डर गई। तो यहाँ पर खत्म होती है टकले की उड़ान, मुलाकात होती है हमारी जहाँ पर गरीना की दुकान। सलाम अलैकुम, तुमसे मुलाकात करके अच्छा लगा। और करते हैं थोड़ी इमोट बाजी मैं और ये कद्दू भाईजान। तो मैं भी मशीन के पास ही हूँ, तू कौन सी मशीन की बात कर रहा? हाँ भाई ओ, सीजन 2 सीजन 1। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। अरे गाइस क्या सीन हो गया भाई, डीएमटी फरीहा भी इसी की स्क्वाड में, एजे की स्क्वाड में। मैंने तो आंख बंद करके प्यार किया है भाई, तुम्हारा स्क्वाड मैं खाली करूंगा, लेकिन छोड़ो मैंने अभी फ्रेंडशिप किया है भाई, छोड़ो अभी मैं धोखा नहीं दूंगा आखिर तक भाई। और इन्हीं प्यारे अल्फाज के बाद कद्दू पद्दू हो जाता है। कोई है दूसरे इसको? अरे मुझे कोई मार रहा है, अरे मैं मर गया यार, मुझे किसी ने मार दिया पीछे से। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मणदा से गपते यार। खत्म। अब यहाँ पर मैं इस नूबड़े स्क्वाड के एक बंदे को मैंने टपका दिया, उससे लूट कर आता है, MP40 मुझे मिल गई कि दूसरा बंदा भी आ गया और उसे भी टपका दिया। अरे बाबा ये जो मैं इस दूसरे बंदे को स्पेक्टेट कर रहा हूँ भाई। तो इस तरह फिर ये मिस्टर अबू मुझे बता रहा था कि इसके फलाने बंदे यहाँ पे, इनको मारो, साले इन्होंने मुझे मारा, इनसे बदला लो। हाँ मार डाल, इधर ही मार डाल इस लंगड़े को। अरे खत्म हो, एक किस्सा तो खत्म। तो बस फिर मैंने दो बंदों को तो मैंने टपका दिया था, दो रह गए थे तो उन पे भी मैंने रश कर दिया और वो रिवाइव करने जा रहे थे नुबड़े। एक बंदा ऊपर जा रहा है, एक बंदा ऊपर जा रहा है। मार मार, दोनों ऊपर जा रहे हैं रिवाइवल पॉइंट जहाँ पे, दोनों ऊपर जा रहे हैं रिवाइवल पॉइंट की तरफ। तो बस उनको बिल्कुल पीले वन टैप देकर टपका दिया। अरे बाबा और हमारे इसकी एचपी बहुत, इसका नेट खराब है भाई, इसका नेट मुकम्मल तबाह है। अलका वाह 34 एचपी है भाई, इजी रहो। क्या दिख रहा है? तुम लोग उसके साथ बातें नहीं कर रहे क्या? तुम लोगों का माइक ऑफ है क्या? एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो फिर डेंजर मामा से थोड़ा सा चुप कर इस तंबू में चला गया और यहाँ पर मिस्टर कद्दू मुझे स्पेक्टेट कर रहा था, तो उस वक्त उसे थोड़े बहुत से हंसी मजाक वाले इमोट दिखाए। मैं तुम लोगों से मर गया, वो भी यार इतने अजीब तरीके से मर गया भाई। तू मुझे स्पेक कर रहा है? हाँ ना, मैं तुझे स्पेक कर रहा हूँ ना। झूठ बोल रहा है, बड़ा हरामी हो बेटा। अरे भाई अब क्या करें यार, आओ बेटे मुंह मीठा करते हैं, आओ। कान कड़वा कर दिया, बोल रहे मुंह मीठा करो यार। एंड में मेरे साथ बहुत मजे के सीन्स हुए क्योंकि मैं मर गया था और रिवाइव होने के बाद आप लोगों को पता है कि बंदे के पास कुछ होता नहीं है, सिर्फ G18 होता है कि पता नहीं USP होती है। तो उसके साथ मैंने लैंड किया और उधर दो बंदे थे और एंड जोन था
और बाकी बंदे भी मर चुके थे, सिर्फ आई थिंक फरीहा रह गई थी। तो वो सीन बहुत मजे का है, उसको टकले की वॉइस में मैंने एडिट किया हुआ है। अब हम क्या करेगा तुम्हारे बिना दुबई में। यहाँ पर ये दो बाजिया एक दूसरे को मार रही थी, रिवाइव कर रही थी, और हम इन पर हंस रहे थे कि ये इतने फारिग लोग हैं, मिशंस कर रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों याद रखे, इस हफ्ते वीकेंड पे मतलब सैटरडे पे याद रखे गिल टेस्ट होगा 2 बजे, दोपहर में होगा, 2-3 बजे होगा, तो भूलना नहीं है। अच्छा फिर ना के ना की याद नहीं दिलाया, तो मिलते हैं गिल टेस्टिंग में। रुक तेरे को बता दे। यहाँ पे ये किलचोर बाजी मेरा किल भी चुरा लेती है। दिल से बुरा लगा यार, मैं तो बिल्कुल अफलातून बन रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जो गेम्स खेली वो अगर आप लोगों ने देखे तो आप लोग मेरे ऊपर हंसोगे, वो भी दिखाऊंगा चलो नेक्स्ट पार्ट में। ये अभी जो आप लोग गेम देख रहे हो इसमें मेरा मसला हल हो गया था, और फिर ये अचानक से मिस्टर अबू गेम में आ गया था। लेकिन इससे पहले जितने भी गेम्स खेली ना, मैं कोलैब कर रहा था, मैं सोच रहा था आप लोग के लिए फनी कॉन्टेंट सा रैंक में बना लेंगे, लेकिन मेरा माउस का सॉफ्टवेयर ही खराब हो गया था जैसे ही मैं इसके ग्रुप में आया। लेकिन फिक्र मत करे, वो सारा मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा है। तो फनी मोमेंट्स की जगह अनलकी मोमेंट्स बन गए थे मेरे हर गेम में। बस माउस यार सेंसिटिव, फ्री फायर गेम ही सेंसिटिविटी का है, सेंसिटिविटी खराब तो बस फिर आप लोगों को पता है कि क्या बनाया होगा मैंने। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करना गाइस। वहीं पर सामने ही बंदे हैं मेरी जान। अरे नहीं भाई वही, ये तो आई थिंक 2 बंदे है। मुझे ड्रॉप को भी लूटना है रे बाबा। अरे ये ग्लू कितना लेट लगा उसका, मैंने कब से हेड मारा, नॉक भी हो गया, फिर इतनी देर बाद इसका ग्लू लगा। सामने इसका दोस्त भी है। ये बड़े मजे का सीन होता है कि ये कह रहा होता है कि यार मुझे रुको जरा, किसी तरह बस रिवाइव कर दो। नहीं, इधर कैसे आ गए इतनी जल्दी। यार ये बड़े मजे का सीन होता है। ग्लू भी नहीं लगाने दिया फरीहा दीदी। यह एंड जोन में मैं मिस्टर अबू से कह रहा था कि ये देखो तुम्हें पता ये कहाँ पे जा रही है, हमारा तो गला सूख जाता है कि हमें रिवाइव कर दो रिवाइव कर दो, कोई रिवाइव ही नहीं करता। लेकिन इनका स्क्वाड ऐसे, इसलिए तो ये लोग रीजन पे रहते हैं, ऐसे स्क्वाड है इनके कि ये लोग आदि हो गए, बंदा नॉक होते ही रिवाइव हो जाता है। भाई ये कहाँ पे उड़ के जा रही है। ओ भाई ये देखो ये कहाँ पे जा रही है, हद है यार हद है। Dawn is back. टकला वापस आ गया रे बाबा। मैं कहाँ पे उतरू, मेरे पास तो अभी कुछ होगा भी नहीं यार। लास्ट जोन में रिवाइव होने का कोई खास फायदा नहीं। पूरा स्क्वाड है नीचे। यार अब मैं क्या करूँ, किसी तरह कोई अच्छी गन मिल। अच्छा अभी मजा आएगा, पाइप मिल गई मुझे तो। मैं ये टीम अप कर रहा हूँ। अरे कर दो। मजा आ गया। अनस्टॉपेबल। अबे यार। हाँ? मैं ये टीम अप कर रहा हूँ। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। टीम अप करके मार। ओ भाई तूने तो डाउन कर दिया एक को, मैं उन लोगों को स्पेक्टेट कर रहा था। अपना रूप नहीं देखा उसने भाई, बस यहीं पे रहा, यहीं पे चुप रहो, उनको उनके लिए बुया दिलाओ गाइस भाई। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। हाँ ना भाई, इधर मैंने एक को टपका दिया, आते ही मजे की लूट लेंगे। ओ भाई, अरे भाई MP40 और बंदा आ गया यार, मुझे MP40 चाहिए। नहीं यार हालत खराब है, लेकिन मेरे पास तो ग्लू वॉल है। अरे कौन मार रहा है? नहीं 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 तो इतने ज्यादा ग्लू वॉल तुमने कहां से पैदा कर लिए? नानी ओ माय वा मो सिंदेइरु गया। ये क्या मजाक है यार, ये वाला नॉक। यार मैं किस तरफ कहां जाऊं, ये नेट फेंक देता हूं बस। निकलो बस फाइट लो भाई, 2 बंदे रहते हैं सिर्फ, कोई भी नहीं लगा यार। ये तो आखिरी 2 बंदे रह गए। अरे भाई फाइनली मुझे MP40 और स्कार मिल गई भाई। एक ही बंद तो मिल गया करो, वहाँ पे वो फाइट कर रहा है, कर रही है व्हाटएवर। भाई तुम मरोगे। मैं क्यों मरूंगा भाई। ना ना पीछे बंदा है भाई, पीछे बंदा है, उधर ही बंदा था, मैंने आवाज सुनी है। ओए इसने तो एक को मार दिया, मतलब लास्ट बंदा रह गया। आओ कना, आओ गोरा कना, उमल तक कना। किधर है? हाँ बोरा उधर ही है ना जहाँ से तुम आए हो परिया के साथ। चला
तू मेरा पोता छुट्टी कर। पहली बार मेरे चैनल पर ओनली वन टैप चैलेंज और वो भी फनी वन टैप चैलेंज। देखने के लिए राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें दोस्तों। अल्लाह हाफिज। सारा पकड़ा है। Hey, Jake.